Hello students and welcome back to the virtual class of Gyanmanjari Vidyapeeth Moha. Students, in the last video session, we concluded the breach course of the SS. And in that we understood that आपका जो EVS था वो divide होके उसके दो main subject बनते हैं science और SS और जो SS है उसके तीन division बनते हैं, right? And that divisions are known as the history, the geography and the SPA. तो जैसे हमने लास्ट में आपको बताया था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे ही जैसे ही हमारा ब्रिज कोर्स ख़त्म हुआ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके एसएस टेक्स्ट बुक का मेन पोर्शन जिसे हम कहते हैं कोर कंटेंट या फिर कोर कोर्स, राइट। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या था, वो तीनों सब डिविज़न से हमारा इंट्रोडक्शन था, लेकिन आज के सेशन में हम वो सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से, राइट। और हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों कवर करेगा, दैट इज अबाउट आर पास्ट, राइट। तो कोई भी सब्जेक्ट सीखे उससे पहले वो सब्जेक्ट सीखने का मेन रीजन क्या है वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और वो सब्जेक्ट क्या है वो भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम यही बात समझने जा रहे हैं कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है। सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस एंड व्हाट इज हिस्ट्री, राइट। सो देयर आर बेसिकली 3 ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी 3 मेन ब्रांचेस रहती है, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और SPL, राइट। ये हमारे मेन 3 ब्रांचेस है। दे आर द 3 ब्रांचेस ऑफ द सोशल साइंस विच वी विल स्टडी इन दिस क्लास। इस क्लास में यानी कि 6th स्टैंडर्ड में हम इन तीनों ब्रांचेस के बारे में सीखने वाले हैं। लेट्स नो अ लिटल मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन सोशल साइंस। तो आज इस सब्जेक्ट के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है सोशल साइंस के अंदर, राइट। ये भी हम आज के सेशन में समझने वाले हैं, राइट। सो विच सब्जेक्ट विद इन द सोशल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थ, जैसे हमने ब्रिज कोर्स में पढ़ा था, राइट। कौन सा सब्जेक्ट है जो अर्थ की स्टडी के साथ डील करता है सोशल साइंस के अंदर, राइट। सो दैट इज द जियोग्राफी, कि हमारा अर्थ कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, राइट। उसका एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट के अंदर कितने स्फीयर्स आते हैं, हम कैसे उसको बचा पाते हैं, कैसे हम उसको पॉल्यूट करते हैं, राइट। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ प्लैनेट के बारे में हम सीखेंगे जियोग्राफी के अंदर। उसके अलावा विच सब्जेक्ट डील्स विद द रूल्स एंड द नॉर्म्स दैट वी फॉलो, हम जो कायदे कानून से चलते हैं, राइट। तो वो कायदे कानून के साथ कौन सा सब्जेक्ट डील करता है, सो दैट इज सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ, राइट। हमारा SPL जो सब्जेक्ट है वो हमें समाज में रहने के लिए तौर तरीके सिखाता है, हमें कायदे कानून सिखाता है कि हमें कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे हमें लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, कैसे हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, हाउ कैन वी बिकम द ग्रेट सिटीजन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री दैट इज इंडिया। हमारा जो महान देश है भारत उसके एक अच्छे नागरिक हम कैसे बन सकते हैं, राइट। तो SPL हमें यह सिखाएगा कि हमें देश के साथ और हमारी सोसाइटी के साथ कैसे डील करना चाहिए। और उसके बाद आता है विच सब्जेक्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ द पास्ट, कौन सा सब्जेक्ट है जो पास्ट के साथ स्टडी करता है, हमें अपना पास्ट दिखाता है, राइट। सो दैट इज द हिस्ट्री जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। सो हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पास्ट, जो हमें पास्ट के बारे में, पास्ट में कैसा था, हमारे देश का इतिहास कैसा था, कौन कौन से राजा थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसके साथ भारत ने युद्ध किया, राइट। कैसे हमें आज़ादी मिली, राइट। पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे क्या सिचुएशन थी सालों पहले, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले क्या सिचुएशन था, वो सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री सिखाएगा। तो वी नाउ नो दैट हिस्ट्री रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द पास्ट, अभी हम जानते हैं कि हिस्ट्री यानी कि क्या, पास्ट की स्टडीज, पास्ट में जो हो गया था उसकी स्टडी हमें हिस्ट्री में से मिलती है। देर आर मेनी वर्ड्स दैट रिफर टू द स्टडी ऑफ द पास्ट, ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो पास्ट की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम सच वर्ड्स, ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में अभी हम जानेंगे। सो सम वर्ड्स दैट रिफर टू द पास्ट, कुछ ऐसे शब्द जो पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है, राइट, ये हमें रीड करके उसके जो वर्ड्स है उसको नोट करना है, ठीक है।
ये पैराग्राफ रीड करके हमें उसके जो वर्ड्स है वो नोट करने हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जो पास्ट के बारे में हमें बताते हैं. Yesterday's pet adoption came by Faizan's family. So many more pets getting adopted as compared to last year. Every year, his family organizes a pet adoption camp on the day of Eid. Long, long ago, his great-grandmother had adopted an injured puppy from the streets on Eid. She took care of him and he stayed with her till she passed away. So, ye paragraph jaise maine read kiya, आपको भी रीड करना है और रीड करके उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जो जो ऐसे वर्ड्स आपने देखे जो आपको बताया कि नहीं यार ये वर्ड है जिसकी वजह से मैं पता चला कि ये पास्ट की बातें ऐसे वर्ड्स को नोट करना है. तो पहले यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए, पूरा पैराग्राफ एक दो तीन बार पढ़ लीजिए और फिर ऐसे जो वर्ड्स है वो नोट कीजिए. नोट करने के बाद आप वीडियो वापस प्ले कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने वर्ड्स नोट कर लिए होंगे. अभी यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं राइट, उसके अंदर जितने भी ब्लू वर्ड्स है वो हमें बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स में पास्ट को रिफर करते हैं. सबसे पहले आता है यस्टरडे यानी कि कल, गुजरा हुआ कल. उसके बाद है लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, राइट. उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, राइट. तो यस्टरडे, लास्ट ईयर, लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये जो तीन वर्ड्स है वो हमें दिखाता है कि ये जो बात है वो प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की नहीं है. ये बातें कहाँ की है? पास्ट की है. ये बात हमें हिस्ट्री दिखाती है. हिस्ट्री यानी कि क्या? गुजरे कल तक जो बीत गया उसकी स्टडी करना, उसे हिस्ट्री कहते हैं. इतिहास यानी कि गुजरे कल तक जो भी हो चुका उन सबको हम इतिहास में शामिल करेंगे. तो सॉरी, ये जो तीन वर्ड्स है, इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर, इन तीनों वर्ड्स को अगर आप देखोगे तो ये देखने से आपको पता चलता है कि इसमें पास्ट की बात की गई है. Right, so now that you understand how different words denote different periods of time, let's do a practice question arranging words on a historical timeline. Timeline कैसे बनानी है सबको पता ही है, तो अभी आपको ये पता भी चल गया है right कि कैसे अलग अलग जो words है वो time के period को दिखाते हैं. कल, long long ago, last year. तो सबसे पहले क्या आएगा? कल आएगा. उसके बाद क्या आएगा? long long ago. उसके बाद क्या आएगा? last year. तो आपको आपका एस बी बुक मिल गया है तो उसमें एस बी वन खोलिए और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.1 है वो आपको, क्वेश्चन जो है 1.1 वो आपको लिखना है और उसका आंसर आपको लिखकर देना है. ये आपका आज के दिन का पहला होमवर्क है, राइट. सो डू दैट. तो ये आप एस बी वन खोल के क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद जब भी आप रेडी हो आप वीडियो को वापस प्ले कर सकते हो. तो बच्चों, we now understand that history which falls within social sciences helps us study different periods of the past. So abhi tak hum ye samajh chuke hain ke history, itihas, ek aisa subject hai social science ka jo hame past ke kuch alag alag jo periods hai, kuch time frame hai, uske bare mein samajhne ke liye madad karta hai, wo hame samjhata hai. We can also now say that words like long long ago, last year and yesterday refer to the periods of the past. Abhi hum ye bhi samajh sakte hain कि लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत बहुत पहले, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, एंड यस्टरडे यानी कि कल, ये सारे जो वर्ड्स है वो हमें पास्ट के पीरियड्स के बारे में बताते हैं. दस, इफ वी वांट टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री. इसीलिए अगर हमें आंसर देना है ऐसे क्वेश्चंस का कि बहुत बहुत पहले क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो वो समझने के लिए हमें हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है. मान लो कोई आपसे पूछे कि आज से 200 साल पहले भारत में क्या हुआ था, या फिर आज से 200 साल पहले भारत में क्या चल रहा था, राइट. अगर ये क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो आप उसको ऐसे आंसर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हिस्ट्री स्टडी करना जरूरी है, राइट. तो ये हमारा आज का सेशन का पहला पार्ट है. अभी हम चलते हैं दूसरे सेशन की ओर. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. कोई भी सब्जेक्ट को समझने से पहले उसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ही जरूरी है. तो अभी मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेगा. इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट. तो ये रहा वीडियो आपके लिए. Study history. Have you ever wondered why we should study the past?
present. Historians are people who study the past. Archaeologists excavate ancient sites to find relics like bones, pottery, and tools and weapons from the past. Archivists are people who collect, organize, and preserve historical information. Museum curators are people who manage museums with historical items and artifacts. History teachers are people who teach history. All these people ensure that all of us know and learn from history. Studying history is exciting and fun. Let's enjoy our studies this year as we travel back in time and learn about the past. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हिस्ट्री को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई कि हम इंसान कैसे बने। ऐसे माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर प्रजाति से थे, राइट, और धीरे 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 इवोल्यूशन के तौर पे हम लोग एक इंसान बने, राइट। सबसे बेहतरीन जो क्रीचर है नेचर का, दैट इज ह्यूमन, राइट। कुदरत का सबसे बेहतरीन जो सर्जन है वो क्या है? इंसान, यानी कि हम। तो हम कैसे बने? उसके अलावा फिर आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी कैसे बनी? कोई भी चीज़ है, मान लो कि आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो फ़ोन कैसे बना और उसको समझने के लिए हमें पास्ट में हमारे जो कंप्यूटर्स थे उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी का इवोल्यूशन होकर होकर आज हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज़ आती है। दूसरी बात हमें सीखने को ये मिली कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी गलतियाँ थी जो पास्ट में हमारी सोसाइटी में हो चुकी है, तो इसके आधार से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें हिस्ट्री समझना ज़रूरी है, और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज वी कैन कम टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स एंड फोर फादर्स, राइट। हमारे पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। और कई बार हिस्ट्री सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलिंग, जैसे कि कोई कहानी सुन रहे हो वैसा ही आपको फीलिंग आएगा, तो मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि कहानी सुनना तो किसे पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को हिस्ट्री इतनी पसंद आती है कि वो लोग अपना प्रोफेशन यानी कि अपना व्यवसाय हिस्ट्री के ऊपर करना कर देते हैं, जैसे कि हिस्टोरियंस, राइट, आर्काइविस्ट, हिस्ट्री टीचर्स, राइट, फिर म्यूजियम क्यूरेटर्स, ये सारे जो लोग हैं जो हिस्ट्री से ही डील करते हैं और उसी के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं और ऐसे ही अपना वो करियर आगे बढ़ाते हैं। सो हिस्ट्री इज रियली वास्ट सब्जेक्ट और समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस आपने देखा होगा, राइट। तो दूसरा होमवर्क आपका आ रहा है आज का दिन का, वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, इसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं अपने हिसाब से। उसका कोई स्पेसिफिक आंसर मॉड्यूल नहीं है। आपने जो वीडियो देखा, आपने अभी तक समझा, उसमें से आपको हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट लगा, क्यों हिस्ट्री को हमें स्टडी करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस आपको होमवर्क में लिखना है। ये आपका दूसरा होमवर्क रहेगा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं द लास्ट फेज ऑफ आर टुडे सेशन, एंड दैट इज वन पास्ट और मैनी पास्ट, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक ही, हमारे का सिर्फ एक ही बुक का नहीं, बहुत है, राइट। तो हिस्ट्री जो है वो एक बुक का को भी हिस्ट्री कहा जाता है, और अगर बहुत सारी पिछली घटनाएं हैं तो उसको भी हम हिस्ट्री कहते हैं। So, now we are going to understand, is it one past or many past? Right? एक ही भूतकाल या बहुत सारे भूतकाल, ये हमें समझना है। तो what all did you do yesterday? आप सबने कल क्या किया था? ये पहला क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम्पल है कि आप कल सुबह कितने बजे जागे थे, आपने ब्रेकफास्ट या लंच में क्या खाया था, राइट, आप स्कूल कैसे आए थे, अभी तो जैसे कि स्कूल है नहीं, लेकिन आप बाहर कैसे गए थे, विच क्लास डिड यू लाइक द मोस्ट, आप जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो कौन सा क्लास आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था पिछले वीक में, ऐसे आप देख लो, यानी कि सारे सब्जेक्ट का आप नाम लिख सको, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जब आप आंसर सोचोगे, राइट, तो इसका आंसर आप सबका अलग अलग होगा। कोई कहेगा सर मैं चल के बाहर गया था, कोई कहेगा सर मैं साइकिल पे गया था, कोई कहेगा सर मैं पापा के साथ बाइक पे था, कोई कहेगा सर मैं कार पे था, कोई कहेगा सर मैं बस में था, राइट। किसी ने अलग अलग खाया होगा, किसी ने मैगी खाई होगी, किसी ने पास्ता, किसी ने सब्जी रोटी, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स द पीपल माइट हैव एक्सपीरियंस इन द डिफरेंट वेज, राइट। तो क्या हम सबका एक्सपीरियंस सेम रहेगा? नहीं रहेगा, हम सबके एक्सपीरियंसिस अलग अलग रहेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि Why do you think
द टाइटल ऑफ आर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इज आर पास्ट एंड नॉट आर पास्ट. हमारा टाइटल जो है आपके फर्स्ट यूनिट का वो है आर पास्ट, यानी कि हमारे सारे भूतकाल, सिर्फ नहीं के और पास्ट. हमारा सिर्फ एक भूतकाल नहीं, हमारे सारे भूतकाल, ऐसा हमें टाइटल दिया गया है. क्योंकि आर पास्ट रिफर्स टू द पास्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के जो पास्ट है उसको मिला के आर पास्ट एक बहुवचन बनता है, इसीलिए हमारा है आर पास्ट. राइट. मेनी पीपल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हंट फिश एंड कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस टू लिव. अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे लोग हैं जो हंट करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं और फॉरेस्ट में से भी फूड कलेक्ट करते हैं और उसको यूज करके वो जिंदा रहते हैं. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल इन सिटीज गेट देयर फूड. हम सिटीज में रहने वाले लोग जो हैं उसके पास जो ये फूड का प्रोसीजर है वो उसके लिए सेम नहीं है, ये सबके लिए अलग है. सच डिफरेंसेस वुड हैव एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. तो ये जो डिफरेंस हमें यहाँ पे मिला, राइट, कि आज की तारीख में लोग वहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर शिकार करते हैं, राइट, फिशिंग करते हैं, राइट, या फिर वेजिटेशन जंगल से लाकर खाते हैं और वहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है जहाँ पे हम खाते हैं. तो जैसे वेरिएशन आज की तारीख में वैसे ही हमारे पास्ट में भी था, इसीलिए हम आर पास्ट कहते हैं. आर पास्ट ऑल्सो टेल अस दैट हिस्ट्री इज अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज मच एज इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस. हमारा पास्ट हमें बताता है कि हिस्ट्री जो है वो सबके लिए है, जो कॉमन लोग थे उसके लिए भी और हमारे जो राजा और रानियां थी उसके लिए भी, राइट. सब लोगों का, हर किसी का अलग अलग पास्ट रहेगा, मेरा और आपका भी अलग अलग पास्ट रहेगा, राइट. तो उसी की वजह से सिर्फ एक पास्ट नहीं, पास्ट यानी कि बहुत सारे पास्ट के बारे में हमें सीखना है. किंग्स एंड क्वींस कैप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स. राजा और रानियां जो थे वो अपने बैटल में उन लोगों ने जो विजय हासिल किया था, उन लोगों ने जो जीत हासिल की थी, राइट, उसके रिकॉर्ड रखते थे. ऑर्डिनरी पीपल यूजुअली डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड. लेकिन सामान्य जो लोग थे उन लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखे थे कि उन लोगों ने क्या किया, और उसकी वजह से सबका पास्ट अलग अलग रहेगा, राइट. सो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, और आज के सेशन में हमें यही सीखना था. इसके दो होमवर्क्स है, दोनों होमवर्क्स आपको करने और मुझे भेजने हैं, राइट. आशा करता हूँ आप सबको यहाँ पे समझ में आया होगा. वापस मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में. टिल देन इट इज टाइम टू से गुड बाय. सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर होमवर्क. बाय, थैंक यू.